बलजिंदर कौर शर्मा बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम है। बलजिंदर कौर शर्मा, राजकुमार राव, आर माधवन, दिलजीत दोसांझ, यशपाल शर्मा जैसे सितारों के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। बलजिंदर कौर शर्मा अब तक पगड़ी द ऑनर, शाहिद, साला खड़ूस, किस्मत और रंगरूट जैसी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं। बलजिंदर कौर शर्मा की अटूट अभिनय की बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन भी मुरीद है। बलजिंदर कौर शर्मा को पगड़ी द ऑनर फिल्म में लाजवाब अभिनय के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, आज आपको रूबरू करवाते हैं नेशनल अवार्ड विनर बलजिंदर कौर शर्मा से। नमस्कार, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबरची लाल पर बातों बातों में। आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री बलजिंदर कौर शर्मा। बलजिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो बलजिंदर जी, आज हम आपकी लाइफ की स्टोरी पे बात करेंगे और शुरुआत करेंगे आपके बचपन पर। चलिए एक सरसरी निगाह डालते हैं आपके बचपन पर कि आपका बचपन कैसा रहा और कहाँ पर आपका जन्म हुआ। जी, मेरा जो जन्म है वो पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, पौंदियाँ। पौंदियाँ, हाँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरी जो एजुकेशन है वो पहले तो गांव में, उसके बाद एक और गांव में हाई स्कूल, उसके बाद डीएवी कॉलेज होशियारपुर, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, और उसके बाद का सफ़र तो आपको पता ही है, बॉम्बे वगैरह। चलिए, हम एक बार अभी बचपन पे ही बने रहेंगे। हाँ। कि आपका जो पारिवारिक माहौल था, क्या बचपन में ही ऐसा था कि आपका फिल्मों की तरफ रुझान है, या कैसे आपका इस तरफ कैसे रुझान हुआ एक्टिंग की? नहीं, एक्चुअली मेरी जो फैमिली है वो टीचर्स की फैमिली है, ज़्यादातर लोग टीचर्स हैं, और मेरे मम्मी भी टीचर थे और डैडी भी टीचर थे, मेरी सिस्टर वगैरह, मतलब सब लोग टीचिंग लाइन में ज़्यादातर लोग हैं। और मेरा रुझान बचपन से ही, मैं जैसे स्टेज पे कविता बोलना, गाना कविता को, और छोटा छोटा मतलब स्टेज पे जब जब मौका मिलना स्टेज पे आना, और मेरे डैडी भी मोटिवेट करते थे हमें स्टेज पे आने के लिए। खुद जैसे पोएम का कंपटीशन है तो लेके जाते थे हमें, मुझे मेरी सिस्टर को, तो वहीं से कहीं इंटरेस्ट होता है स्टेज पे आने का, कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे में। और उसके बाद जब मैं प्लस वन टू में गई तो मुझे वहाँ कुछ टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे फिर गाइड किया। जैसे सबसे पहले मैंने हॉस्टल के एक स्किट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें वो भी मेरा नाम मेरी फ्रेंड ने लिखवा दिया था कि मैं घर आई हुई थी, उसने मेरा नाम लिखवा दिया, कोई फंक्शन था कि तुम्हें ना एक्टिंग करनी है। मैंने कहा है, तो उसने कहा हाँ अब तो करनी पड़ेगी क्योंकि तेरा नाम दे दिया, तो मैंने किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद कॉलेज तक बात गई तो जैसे वार्डन ने कॉलेज में बात की कि वो अच्छी एक्टिंग करती है, उसको नाटक में लो ऐसे करके। फिर कॉलेज में एक स्किट हुआ तो मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया स्किट में, तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने एक जो हमारा मेन कॉलेज था बॉयज़ कॉलेज, मैं गर्ल्स कॉलेज में थी तब, तो वहाँ उन्होंने डॉक्टर जनमीत जो कि इंडियन थिएटर पास आउट थे, थिएटर में उन्होंने पीएचडी किया था, बहुत थिएटर किया था, तो उन्होंने मतलब डीएवी कॉलेज के टीचर ने जनमीत सर से बात की जो मेन कॉलेज में थे, जो ड्रामा करवाते थे यूथ फेस्टिवल में, तो उनको कहा कि अभी तक आप जो ड्रामा करवाते हो उसमें लड़कों को लेते हो, कि मैं एक तुम्हें एक्ट्रेस भेजता हूँ, उसको देखना एक बार। तो ऑडिशंस रखे सर ने, पहली बार मतलब ऐसा हुआ कि लड़कियों को भी लेंगे ड्रामा में, तो ऑडिशंस में बहुत सारी लड़कियाँ आई थी, तो मेरा भी ऑडिशन हुआ। तो सर ने कहा कि अगले दिन फिर आना सब लोग, तो जब मैं अगले दिन गई तो मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा दी सर ने मेजर कैरेक्टर के लिए, वो कैरेक्टर था जगीर कौर का, जगीर कौर, और तारा सिंह संधू का नाटक था बैर पर आए, बार पर आए बैसना, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था फीमेल। तो उसके बाद फिर इस तरह से हो गई शुरुआत, और फिर डॉक्टर जनमीत ने जब मेरी ग्रेजुएशन
कंप्लीट हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि बलजिंदर आगे क्या करोगी, तो मैंने कहा बीएड। तो हंसने लगे, बोले मुझे पता था यही बोलोगी। तो मैंने कहा कि और क्या करना चाहिए, बोले तुम इंडियन थिएटर ज्वाइन कर, मतलब वहाँ ट्राई करो। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने घर में एक बार बात की डैडी से, तो डैडी को इसके बारे में उतना पता नहीं था ये क्या है, तो डैडी ने कहा हाँ पता नहीं था कि इस तरह से इसमें आगे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह। तो डैडी ने कहा कि अच्छा ये करके फिर क्या करोगी। तो मैं सोचने बैठ गई, मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं थी, तो फिर मैंने पंजाबी की एमए ज्वाइन कर ली, ठीक है। और जन्मीत सर को बहुत बुरा लगा था, वो थोड़ी देर मुझसे नाराज़ भी रहे थे कई दिन तक। फिर जब मेरी एमए कंप्लीट होने को थी, उन्होंने पूछा अब जाना है इंडियन थिएटर, मैंने कहा हाँ जाना है। तब तक थोड़ी और मुझे नाटक भी और कर लिए, थोड़ी नॉलेज भी और बढ़ गई, हाँ मैच्योरिटी थोड़ी नॉलेज हो गई, हाँ कि थोड़ा थोड़ा जैसे आपको क्लियर विजन क्लियर होने लगता है, तो मैंने कहा हाँ जाना है। तो मैंने फिर इंडियन थिएटर ट्राई किया, इंटरव्यू वगैरह दिया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। उस पर हम पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आपको कब ये फील आया कि यस मुझे एक्ट्रेस बनना है या मुझे इस लाइन में जाना चाहिए एक्टिंग की तरफ। अगर प्रॉपर जैसे कि आपने बताया कि सर ने आपको गाइड किया, लेकिन होता है कि एक इंसान के दिल से फीलिंग आती है कि यस मुझे इस लाइन में जाना है, तो कब आपको पहली बार ये एहसास हुआ कि मुझे एक्ट्रेस बनना चाहिए? मैं सच बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग आती है। मुझे तब थोड़ा लगने लगा जब लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया ना, जैसे जन्मेश सर बहुत अप्रिशिएट करते थे मुझे, वो तो करते ही थे और लोग भी बहुत करते थे। जैसे अमरीक गिल एक बार हमारे कॉलेज में आए, उन्होंने मुझे एक्ट करते देखा तो उन्होंने कहा जन्मीत ऐसी एक्ट्रेस मिल जाती है कॉलेज में। तो कुछ लोगों के शब्द थे जो मुझे लगा कि शायद मुझे आती है एक्टिंग, तो उसी से एक मोटिवेशन शायद मिलता है कि आपको लगता है कि आप शायद इस लाइन में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो हालांकि जन्मेश सर मुझे साथ साथ ये बताते रहते थे कि ये लाइन इतनी इजी नहीं है, ये मान के चलना। तो फिर जब मैंने कई नाटक कर लिए, हर बार कुछ ना कुछ मुझे पोजीशन मिलती थी, कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता था, तो सब लोग अप्रिशिएट करते थे, फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे लगता है ये मेरे लिए लाइन ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ मैं करती रहूँ, पढ़ती रहूँ फिर मैं घूम फिर के वहाँ आऊँ, तो उससे बेटर है कि अभी से मैं सही चुनूँ रास्ता। अगर देखा जाए तो आपको गाइडेंस जो है वो स्टार्टिंग में सही मार्गदर्शक अगर मिल गए थे, हाँ। जो आपको गाइड करें। अगर कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कि भटकाव ज्यादा होता है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, हाँ। मुझे ये बनना चाहिए। आपको स्टार्टिंग से एक राह मिल गई थी जिसपे आपको चलना है। बिल्कुल। मैं बताती हूँ कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया, नहीं जब मैंने एमए किया, मैंने बीएड के लिए एग्जाम, तब एंट्रेंस हुआ करता था, ऐसा नहीं था कि बीएड में एडमिशन ले ली, तब एंट्रेंस था। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था और मैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वहाँ मेरी मतलब नाम आ गया था नंबर। तो जब मेरे इंडियन थिएटर में सिलेक्शन हो गया, तो मेरे डैडी ने एक बार फिर पूछा था कि सोच ले, क्योंकि तब मेरे पास फिर दो रास्ते हो गए कि बीएड या इंडियन थिएटर। तो मैंने फिर डैडी को ये कहा कि अगर मैंने बीएड करके भी फिर यही इसी लाइन पे आना है तो फिर यही चुनती हूँ, हाँ। तो क्योंकि तब भी काफ़ी टफ कंपटीशन हुआ करता था इंडियन थिएटर में भी एडमिशन लेने के लिए, मतलब बहुत सब जगह की क्रीम आती थी। तो मुझे लगा कि ये मुझे मौका मिला है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे करना चाहिए। फिर मैंने एमए ज्वाइन किया, एमए ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ की मतलब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने बैच की। तो इस तरह से वहाँ भी अच्छा मुझे मतलब सब टीचर्स ने मोटिवेट किया। तो चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं, और इंडियन थिएटर में आने के बाद वहाँ से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? इंडियन थिएटर में आके मैंने पहली बार ये महसूस किया कि प्रोफेशनली जब आप उस तरह से सब उसी प्रोफेशन के लोग हैं, जब कॉलेज में होते हैं तो मस्ती में थिएटर कर रहे होते हैं, तो जब आपके साथ उसी प्रोफेशन के और लोग भी होते हैं, सब अच्छे होते हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाता है और आपके लिए फिर चैलेंज ज़्यादा होता है। और इंडियन थिएटर में जैसे कुछ लोग मुझे चैलेंज भी करते थे, जैसे एक आध बार किसी ने, जैसे मेरी शुरू से ही थोड़ी था, ये मेरी फैमिली से ही आया कि हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेरे डैडी बहुत, मम्मी, सब लोग बहुत मेहनत की है लाइफ में, तो हार्ड वर्क करना मेरी नेचर में है,
ये मुझे कोई पुश नहीं करता है कि तुम मेहनत करो, ये मेरी नेचर है। तो मैं बहुत मेहनत करती थी, तो कुछ लड़के मजाक करते थे कि ये तो ये लेके जाएगी, और मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था। तो मुझे लोगों ने बताया कि इसका मतलब है गोल्ड मेडल, कि ये तो गोल्ड मेडल लेके आई जाएगी। तो मैंने छुट्टियाँ हुई तो मैंने डॉक्टर जनमीत को बताया, सर को, मैंने कहा ऐसे मुझे चिढ़ाते हैं, ये तो ये लेके जाएगी। बोले तो इस बार जाएगी ना, तो कह खुद कहना मैं तो ये लेके जाऊंगी। तो मैंने वही किया। तो फिर मैं गोल्ड मेडल लिया MA1 में। फिर अगले साल किसी ने कहा कि चलो MA1 में मिल गया, अब देखते हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो फिर MA2 में भी मैंने लिया। तो इस तरह का पॉजिटिव कॉम्पिटिशन था, और बैचमेट्स सब अच्छे थे, सीनियर्स भी अच्छे थे, और अच्छे कैरेक्टर करने को मुझे मिले। बलवंत गार्गी का नाटक लोहा कुट में मुझे संती कैरेक्टर करने को मिल गया, मतलब मेजर कैरेक्टर था वो। उसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था चंडीगढ़ में, शोज़ हुए थे, पब्लिक शोज़। तो अगर आपने बताया कि काफ़ी अच्छे बैचमेट्स रहे, काफ़ी अच्छे सीनियर्स रहे, अगर उस दौर पर अगर नज़र डालें तो आपके जहन में आता हो कि उस दौरान आपके बैचमेट्स कौन कौन थे? मेरे बैचमेट्स थे सुशील छाबड़ा, जो कि अभी बॉम्बे में काम कर रहे हैं, और नानू, राजेंद्र नानू था, वो भी अभी जैसे PK फिल्म में उसने वो अच्छा कैरेक्टर किया था, और भी चिलर पार्टी में किया था। और विवेक सूद थे मेरे बैचमेट, अश्विनी शर्मा थे, साधना, आशा सकलानी, जसपाल कौर, धर्मेंद्र, उसका थोड़ा कुछ हेल्थ के ख़राब रहता था, उसकी डेथ हो गई अभी, और कौन था मेरे बैच में, ये लोग, नौ लोग थे हम। नौ लोग थे। हाँ, और अगर आपके सीनियर्स की बात करें, जो इस वक्त कोई ऐसा हो जो बॉलीवुड में बहुत अच्छे से सक्रिय है और अच्छा काम कर रहे हैं? सीनियर्स में मेरे राजेश राजपाल, मनीषा महाजन, वो लोग बॉम्बे में काम ऑन स्क्रीन नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा डबिंग की तरह कुछ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि अच्छा, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। हाँ, उनमें से और कौन थे सीनियर्स में, JD एक थे, उन्होंने बहुत थिएटर किया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है वो एक्सपायर हो गए हैं, बीमार रहते थे, तो उन्होंने काफ़ी थिएटर किया है। और मेरे सीनियर्स में सुमित सूद और उनकी वाइफ, दोनों की शादी हुई थी, सुरजीत एक साल सीनियर थी, और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं थिएटर से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जब आप थिएटर कर रहे थे इंडियन थिएटर में, तो क्या आपके जहन में ये आता था कि मुझे थिएटर ही करना है या मुझे बॉलीवुड में भी जाना है? हाँ, मेरे मन में आता था मुझे थिएटर ही करना है, और मैंने बहुत, मैं ऐसे मतलब कहती भी थी कि मैं तो सिर्फ थिएटर करूँगी, क्योंकि तब छोटी थी, मुझे नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल कुछ नहीं पता था, समझ लो ऐसे बातें करते थे हम, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे सच बताऊँ, मुझे ये नहीं पता था NST क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आजकल सबको पता होता है, मुझे नहीं पता था। तो जब मेरा MA कंप्लीट होने वाला था, तो मेरे बैचमेट्स NST की बातें करते थे कि हमने वहाँ भरना है, तो वो मुझे बोले कि भाई हम सब भर रहे हैं, तुम भी भर दो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, सारी ज़िंदगी क्या सीखते रहना है, अब तो फील्ड में काम करेंगे, मैंने ऐसा बोला था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सारे सब लोग भर रहे हैं, तुम भी भर दे, क्या है। तो मुझे बताया ये क्या चीज़ है, NST क्या है। मैंने कहा चलो ऐसा करना, तुम लोग प्रोस्पेक्टस लेने जाओगे, मेरा भी ले आना। वो लोग ले आए थे, और उन्हीं के साथ मैं इंटरव्यू देने गई थी वहाँ, और पहले वाले इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद 4 दिन का वर्कशॉप होता है, और मेरा फिर, और हुआ ये कि उस उनमें से किसी का नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो मेरे बैचमेट्स कहते थे आगे से इसके साथ कहीं नहीं जाना। इट मीन्स आपने वो प्रूव कर दिया कि जो लोग इशारा करते थे कि आप गोल्ड मेडल लेंगे। तो मैंने बड़ी मस्ती में NSD का इंटरव्यू दिया था, मतलब कोई डर नहीं, पता है। मुझे लगता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना कि मुझे ये करना ही है करके, तब आप टेंशन में आते हो। वहाँ सब लोग ऐसे स्क्रिप्ट लेके बड़ी टेंशन में घूम रहे थे NSD में, और मैं ऐसे ही थी, मस्त अपना हंस रही थी, मजाक कर रही थी। मैंने कहा आज देखना मैं गाना गाऊंगी ना, तबले वालों को भगा भगा के मारूंगी, उनको मेरे साथ मिलना पड़ेगा, ऐसे मैं मजाक कर रही थी। और मैंने, क्योंकि NST में बहुत इतना सीरियस माहौल होता है, मुझे पता भी नहीं था, लोग डरे होते हैं, लोग डरे होते हैं, तो मैं हंस हंस के ऐसे, और लेकिन मैं
एक बात जिंदगी में मतलब हमेशा मान के चलती हूँ, अगर आप मेहनत करते हो तो डरने की ज़रूरत नहीं। मैं मेहनत बहुत करती हूँ, इंटरव्यू देने गई हूँ, चाहे मैं वहाँ हंस रही हूँ मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैंने मेहनत कर रखी। तैयारी जो है वो पूरी थी। तैयारी मेरी पूरी थी, तो मतलब अंदर ही अंदर आप कॉन्फिडेंट होते हो कि ठीक है, आपने अपनी ड्यूटी की ना, आपने हार्डवर्क किया, अब आपके हाथ में नहीं है, आपने अपना 100% लगा दो, उसके बाद क्या होना है। ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था पहली बार में। तो कि अगर याददाश्त की बात करें, अब उन दिनों की बात करें, तो कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद आता हो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, मैं जब एंटर करने के बाद? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंटरेस्टिंग है, जैसे नवाजुद्दीन आज इतने बड़े स्टार हैं, ये लोगों ने जब सिलेक्शन हुआ तो मतलब रैगिंग नहीं होती NSD में, लेकिन एक बार जूनियर्स को पकड़ते ज़रूर है, तो ये लोग पास आउट थे, तो ये लोग चाय वाय पी रहे थे, तो मैं जैसे लिस्ट लगी, तो मैं लिस्ट देख के आ रही थी, तो इन्होंने आवाज़ मारी इधर आओ, तो मैं गई, तो बोले हाँ क्या नाम है, मैंने बताया, बोले सिलेक्शन हो गया, मैंने कहा हाँ जी सर, अच्छा कहाँ जा रही हो, मैंने कहा नाश्ता करने जा रही हूँ, मैं इसमें भाग के जाओ और भाग के वापस आओ, तो मैं भाग के गई और भाग के वापस आके खड़ी हो गई, नहीं तो मतलब लोग भाग जाते हैं रैगिंग में, मतलब वापस नहीं, हाँ तो उनको पता है अभी कुछ ना कुछ करवा के देखेंगे, रैगिंग के टाइम पे भी अपनी ईमानदारी दिखाई, हाँ वो हंसने लग गया जब मैं आके वापस खड़ी हो गई, हंसने लगे, बोले इसको देखो कोई और होता तो भाग गया होता ना, तो मतलब वहाँ ऐसे मजाक ही होता है रैगिंग के नाम, ऐसे रैगिंग नहीं होती। शामिल थे उस रैगिंग वाली गैंग में जिन्होंने? मुझे नवाज का याद है और बाकी मुझे ध्यान नहीं है कौन कौन थे, मुझे नवाज का अच्छे से याद है, हाँ नवाजुद्दीन थे, मतलब रैगिंग नहीं थी वो, एक तरह से मतलब जूनियर्स को पकड़ के मजाक करते हैं, वो सीरियस हो जाते हैं, जूनियर को लगता है कि डांट रहे हैं, वो अंदर अंदर हंस रहे होते हैं, तो बाद में थोड़े दिन में हमें ये बात समझ में आ गई, फिर हम एंजॉय करते थे।